विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में मंदिर क्षेत्र का कूड़ा, छोटी छोटी चुनरियां, प्लास्टिक के लिफाफे पहाड़ी के नीचे फेंक दिए जाते हैं। इससे जहां पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, वहीं पर आगजनी की घटनाओं से भी किसी भी समय मंदिर के समीप कोई बड़ा नुकसान हो सकता है और इससे भारत स्वच्छता अभियान की भी धज्जियां उड़ रही हैं। आपको बता दें कि गत बुधवार रात को भी जब पहाड़ी में कूड़ा करकट को आग लगी तो तेज हवा के कारण आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया था। हालांकि समीप में ही मंदिर न्यास का कार्यालय है, माताजी का लंगर है और साथ में धर्मशाला है। आगजनी की इस घटना से चिंगारियां ऊपर उठती रही, जहां पर मंदिर के अधिकारी कार्यालय के समीप बनी दुकानों को खतरा बना रहा। हालांकि बड़ी मशक्कत के बाद होमगार्ड के जवानों ने दुकानदारों ने पानी फेंक कर आग पर काबू पाया। मंदिर प्रशासन को चाहिए कि पहाड़ी के नीचे जो सफाई कर्मचारी कूड़ा करकट फेंकते हैं, उस पर रोक लगानी चाहिए। सिर्फ मंदिर के समीप ही नहीं बल्कि इसके अलावा बाजार के समीप, बस अड्डा के पास सारा ही कूड़ा करकट पहाड़ियों में फेंका जा रहा है, जिससे पर्यावरण को खतरा हो रहा है। कूड़ा करकट को कूड़ा नियंत्रण केंद्र में ही डाला जाना चाहिए, ताकि इस प्रकार की आगजनी की घटनाओं पर अंकुश लग सके और कूड़े का सही ढंग से निष्पादन हो सके। नैना देवी पहाड़ी के चारों तरफ सफाई कर्मचारी जहां तहां देखते हैं वहीं पे कूड़ा फेंक देते हैं। इससे कूड़े से आग लगने का भी भय रहता है और पर्यावरण को भी नुकसान होता है। इसलिए इस सारे कूड़े को इकट्ठा करके उचित स्थान पे इसको ठिकाने लगाया जाए। जय माता दी। असि इतने मां माई दर्शन करने आए जी, इतने अभी देखे हुए कूड़ा करकट जो भी है पहाड़ा छटे रहता जी। सा दरखास्त बेनती है कहने पवित्र स्थान से यह गंद ना पवे जी, तो कूड़ा प्रॉपर डिस्ट्रॉय करने का समाधान बनाया जाए। साड़ी ये गुजारिश है बेने माता पवित्र स्थान से यह गंद ना पाया जाए। जय माता दी।